Hi guys, this is biswas. I'm from Jamshedpur and I'm going to start my new YouTube channel, so please subscribe my channel. Or ye channel jo hai cars, bikes, aquariums related hai. So ye hai hamari Ford Ikon. Aap dekh sakte hain ye car jo hai Ford Ikon damdar hai. और ये कार जो है 1.3 पेट्रोल इंजन कार है. पेट्रोल इंजन का पावर तो आप समझते होंगे कैसे है. अब ये गाड़ी पुराना है, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम लगे रहेगा बॉस ये गाड़ी में. जैसे कि देखो, इस गाड़ी में आज एक प्रॉब्लम हो रहा है, मैं रिपेयर करवाने वाला हूँ. आज मार्केट जाऊँगा, इस साइड के सस्पेंशन के नीचे से एक आवाज़ आ रहा है. वो जनरली प्रॉब्लम हो ही सकता है, अगर आप हाईवे वगैरह जाओगे तो इस तरह का प्रॉब्लम हो ही सकता है. तो कर 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 किट 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 एक आवाज आता है. गाइस देखिए, ये जो है टायर इंड है, ये मैं फिट करने के समय दिखाऊंगा. इसी के वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है. राइट साइड के इंटरनल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो टायर का एक प्रॉब्लम है, ये मैं चेंज करने वाला हूँ. और ये टायर इंड है, एग्जैक्टली ये टायर इंड है. और ये आर्म है, आर्म सेट है, जो हमारे फ्रंट में व्हील पे जो सस्पेंशन के नीचे लगते हैं, ये सेट है. ये पूरा खोलने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको. मैं अभी गैरेज जा रहा हूँ, मैं गैरेज जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये कैसे क्या फिट होगा. मैं पूरी वीडियो में आपको गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है. मैं विंडो खोल देता हूँ ताकि आपको आवाज़ सुनाई दे, हो सकता है आपको आवाज़ सुनाई दे. ये आवाज़ दे रहा है लेफ्ट साइड से. ये आवाज़ अगर सुनाई जो दे रहा है, ये जो मैंने आपको बताया कि किट 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 टाइप का है, वो आवाज़ जो देता है वो टायर एंड का आवाज़ आता है. जो पूछ वगैरह अगर आपका ख़राब हो जाता है, काफ़ी पुराना, एक्चुअली क्या है कि काफ़ी गाड़ी भी काफ़ी पुराना हो गया ना, तो रबर पार्ट्स वगैरह हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमें. तो हमें पता नहीं चलता है, काफ़ी गैरेज वाले पैसे ज़्यादा भी ले लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ है. और एक बात मैं बोलूँ आपको दोस्त, कि गाड़ी अगर जब भी आप बनवाओ, खुद खड़े रह के बनवाना, गाड़ी सही बनेगा. देखो आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये आवाज़ जो मैंने आपको बताया ना, ये देखो इसी का आवाज़ दे रहा है बॉस. इसी चीज़ के लिए मैं स्पेयर पार्ट्स लेके, आप देख रहे हो सीट पे ले मैं जा रहा हूँ चेंज करवाने के लिए. और ये चेंज करवाना काफ़ी ज़रूरी है. अगर ये मैं नहीं चेंज करवाऊँ तो उसके वजह से कुछ और पार्ट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, और उसके वजह से कुछ और चीज़ शुरू हो जाएगा ख़राब होना, और ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है. और ये गाड़ी 15 साल पुरानी है ना बॉस, तो काफ़ी महंगा भी है इसका स्पेयर पार्ट. बस गाइस, हमारा गैरेज आ चुका है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह है एक हमारा बहुत भरोसेमंद जो है एक मैकेनिक है. गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि रबड़ पार्ट्स हार्ड हो जाते हैं, बिल्कुल आप देखिए कि ये रबड़्स का ये पार्ट है, जैसे ये कैसे क्रैक हो चुका है. आप देखो ये सही से कि ये क्रैक हो चुका है, जिसकी वजह से ये मेरे लिए प्रॉब्लम आ रहा है. दिख रहा होगा आपको कैसे ये क्रैक हो चुका है, क्योंकि काफ़ी पुराना है. ये भी प्लेट चेंज हो जाने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था प्लेट के लिए, ये प्लेट चेंज हो जाएगा. आर्म जो आर्म रेस्ट, आर्म का जो सेट होता है, ये आर्म का पूरा सेट है. ये पूरा सेट भी मैंने परचेज़ किया है. और ये जो आपको मैंने बताया टायर, ये भी है, ये यही है आपका टायर का सेट है, और ये भी उसी का सेट है. ये मैंने आपको खरीद के लेके आया हूँ. अभी मैं लगने के बाद ये दिख पाएंगे. इट्स लुक लाइक ए एनाकोंडा. भाई एक बार आप बता दीजिए कि इसमें आर्म कौन सा है और आपका टायर कौन सा है. आर्म इसको बोलते हैं और टायर इसको बोलते हैं.
अच्छा स्टीयरिंग का टायर है। अच्छा है ना, तो अभी जो आवाज़ है ये लगने के बाद ये आवाज़ जो है ये सॉल्व हो जाएगा ना? हाँ सॉल्व हो जाएगा। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रुपायन अख्तर। अच्छा देखिए ये जो है अभी फिलहाल यही गाड़ी का काम कर रहे हैं, पूरा गाड़ी का मोर्चा यही संभाले हुए हैं पूरा। तो अब गाड़ी बनने के बाद जो है कैसा होगा वो देख लेते हैं। ब्लेड तो ब्लेड इसके पास होगा, ये चल सकता ना, पहले काम आ जाना ना भाई। ये खाली चेंज नहीं होता है? नहीं चेंज होगा लेकिन जो है ना कोई फायदा नहीं, ये चेंज करने से फायदा नहीं है। अगर चेंज भी कर देंगे ना तो फिर ये वाला चलते चलते जो है ना निकल जाता है। अच्छा ये वाला आराम निकल जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा दैट मीन्स गाइस ये क्या है कि अगर आपका मान लीजिए आर्म में अगर बूस चेंज करने के लिए कहा जाए तो बूस ना चेंज करवाएं, ये पूरा सेट पूरा चेंज करवाएं, क्योंकि जैसे ये भाई कह रहे हैं कि ये अगर चेंज भी करवाते हैं तो चलते चलते ये निकल जाता है, निकल जाता। और अगर ये निकल जाए चलते में तो फिर रोड में कहीं भी आपको धोखा मिल सकता है, इसकी वजह से आप ये पूरा सेट ही चेंज करवाएं ताकि आपको कहीं धोखा ना मिले। और ये ओपन हो रहा है, देखिए नया वाला लगेगा अभी। ये देखिए एक बार दिखा देना भाई, नया सेट है कि ये बूट वगैरह जो है एकदम ये फ्रेश है और ये कंपनी फिटेड है, दैट वाई ये जो है एकदम सही है, क्योंकि अगर ये बाहर से भी करवाते हैं इसको चेंजेस तो वो ऐसा फिटेड नहीं रहेगा, जो ये पूरा आम के साथ जो फिट होके आता है कंपनी से सेम फिटेड नहीं रहेगा, इसी के लिए ये पूरा सेट लिया जाता है। ये कुछ होगा अभी हमारे गाड़ी पर, इसी पे टिका होता है, ये जो आपको दिख रहा है इसी के थ्रू से जो है अपना मूवमेंट होता है, जो लेफ्ट और राइट में जो फंक्शन करता है अपना व्हील का इसी के थ्रू से होता है स्टीयरिंग का। और ये अपना जो डायरड है ये भी हमारा ये नया लगने वाला है, देखिए किस तरह से हमारा ये जो इसका भूस है ये फट चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी काम तो मेरा ये जो है हो चुका है और गाड़ी भी स्मूथ चल रहा है और जो जो मैंने चेंज करवाया था वो सक्सेसफुल रहा। तो गाइस फ्यूचर में अगर ऐसा प्रॉब्लम होता, देखिए मैंने ये पूरा खड़ा होकर गाड़ी बनवाया, आप हाथ देख सकते हैं, मेरा मैकेनिक के साथ भी खुद भी मैकेनिक बन गए थे और मतलब सही से काम हुआ एकदम। ये ऐसा काम होने से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ आपका काम सही हुआ है। सो कहीं भी गाड़ी बनवाए टाइम दे, टाइम लेके खड़े होके अपने से गाड़ी बनवाए।
दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना।